एवरीवन, ललिता भारद्वाज किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोभी 65। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इसके लिए गोभी 65 के लिए मैंने एक फूल गोभी लिया है मीडियम साइज का, और उसको मैंने इस तरह से देखिए कट कर लिया है। इसके हमें ना तो बहुत ज्यादा छोटे साइज चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा बड़े, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा बड़े रखेंगे हम तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगा। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसका साइज छोटा ही रखें। ये देखिए, और इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैंने लिया है चावल का आटा और 1/2 कप मैंने लिया है कॉर्नफ्लोर। इसमें मैदा यूज नहीं करेंगे हम। और ये देखिए, 1 चम्मच लिया है मैंने नमक, 1 चम्मच लिया है मैंने लाल मिर्च, 2 चम्मच लिया है धनिया पाउडर, और 1 से 1.5 चम्मच लिया है मैंने कश्मीरी लाल मिर्च, और ये लिया है मैंने सॉसेस में 2 चम्मच लिया है मैंने, ये मैंने लिए डार्क सोया सॉस, 1 चम्मच लिया है मैंने विनेगर, और ये मैंने 1 से 1.5 चम्मच लिया है गार्लिक और जिंजर का पेस्ट, और ये लिया है मैंने रेड चिली सॉस 1 चम्मच, और ये थोड़े से लिए हैं मैंने करी लीव्स जिसे मैंने इस तरह से बारीक बारीक कट कर लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम गोभी को ब्लांच कर लेते हैं। ये देखिए, एक पैन में ही मैंने पानी रख दिया था, पानी बॉईल हो चुका है, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक, और पानी बॉईल होने के बाद ही इसमें डालेंगे हम अब ये गोभी। तो गोभी को हम 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पका लेंगे। तो चलिए इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देते हैं इसी में। ये देखिए, गोभी में बिल्कुल अच्छा सा कलर आ चुका है, इसका कलर अब व्हाइट हो चुका है, इनकी गोभी साफ हो चुकी है और ये पक भी चुकी है। हमें इसे ज्यादा नहीं पकाना है, तो अब मैं गैस बंद कर देती हूँ और ये पानी स्ट्रेन कर लेती हूँ। ये देखिए, गोभी बिल्कुल साफ हो चुके है और कुछ कुछ सॉफ्ट भी हो चुके है। ये देखिए बस हमें इसे इतना ही पकाना था। तो चलिए अब हम इसको मैरिनेट करते हैं। ये देखिए, मैंने सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और इसमें डालेंगे हम ये धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, मिर्च, नमक, जिंजर गार्लिक पेस्ट। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। अब डालेंगे हम इसमें ये करी लीव्स, विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस। चलिए अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं, और इसी के साथ साथ इसमें डालेंगे हम ये चावल का आटा, इनके राइस फ्लोर, कॉर्नफ्लोर। ये देखिए, इसको अब मिलाना है हमें अच्छे से, इसे मिक्स कर दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी, हमें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसका इस तरह से घोल तैयार करना है। और ये देखिए, मैंने एक पैन में तेल गरम कर लिया है, और अब हम एक गोभी का पीस लेंगे और इसमें हम अच्छे से इसको डिप करेंगे। 1 बाय 1 हम इसको इसमें डाल देंगे। हमें सारे गोभी
गोभी को एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है, क्योंकि इसमें जो भी मटेरियल डाला है वो स्टिकी है, तो वो आपस में चिपक सकते हैं, इसलिए इसे हमें आराम से एक एक करके डालना। हमें इसको थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करना है, इसमें ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है हमें, और इस तरह से इसे हमें इसे लटके पलटते हुए पकाना है। चलिए हमें इसे हाफ पकाना है अभी, और इसको अब हम निकाल लेते हैं। उसके बाद हमें इसको रीफ्राई करना है, तभी इसमें क्रिस्पीनेस आएगा। ये देखिए मैंने सारे गोभी को अच्छे से फ्राई कर लिया है, और अब हम इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, उसके बाद हम इसे रीफ्राई करेंगे। देखिए चलिए अब हम इसको दोबारा से रीफ्राई कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ऑयल को गरम कर लिया है। ये देखिए अब हम इसमें एक एक करके ये पोहे डालेंगे और इसको क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए इसी के साथ हम इसमें डाल देते हैं ये करी मिर्च और ये हरी मिर्चें, तो भी हम इसमें फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए सारे हमारे गोभी बनके तैयार है, और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी गोभी 65 बनके तैयार है। आप इसे शाम की चाय के साथ स्नैक्स के रूप में सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।